यूट्यूबर गौरव तनेजा गिरफ्तार। जन्मदिन पर भीड़ जुटाना यूट्यूबर को पड़ा भारी। दिल्ली से सटे नोएडा में फेमस यूट्यूबर गौरव तनेजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर गौरव तनेजा अपना जन्मदिन मनाने पहुंचे थे। इस दौरान उनके चाहने वालों का सैलाब ऐसा उमड़ा कि मेट्रो स्टेशन के नीचे अफरा तफरी मच गई, जिस वजह से मेट्रो के नीचे आसपास जाम लग गया। वहीं मेट्रो कर्मचारियों को और यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू है, जिसके उल्लंघन के आरोप में नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर गौरव तनेजा को हिरासत में ले लिया है। दरअसल इंस्टाग्राम के जरिए गौरव तनेजा ने अपने फैंस को बताया था कि आज वो फैंस के बीच नोएडा में मेट्रो स्टेशन 51 पर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद हजारों की संख्या में भीड़ सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गई। वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इस दौरान भगदड़ की सूचना मिलते ही नोएडा थाना सेक्टर 49 की पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को शांत कराया। लेकिन नोएडा के सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन में अचानक हुई भीड़ के कारण मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान कर्मचारियों को भी काफी परेशानी हो गई। वहीं मेट्रो स्टेशन के नीचे गौरव तनेजा के बर्थडे सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए टोकन बांटे जा रहे थे। फैन को काबू करने के लिए मेट्रो कर्मचारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके चलते ट्रैफिक जाम भी लग गया। इस दौरान सूचना मिलने के बाद थाना सेक्टर 49 की पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालांकि पुलिस ने किसी तरह भीड़ को शांत कराया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी मिली कि पिछले दिनों ADCP कानून व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में जो भी व्यक्ति समूह में या अकेले इस प्रकार की गतिविधि में शामिल होगा, उसके खिलाफ नोएडा पुलिस द्वारा सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भी बिना अनुमति के मेट्रो स्टेशन के नीचे इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा करना यूट्यूबर को भारी पड़ गया। जहां धारा 144 के उल्लंघन और शहर में अव्यवस्था उत्पन्न करने के आरोप में सेक्टर 49 थाना पुलिस ने गौरव तनेजा को गिरफ्तार कर लिया है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।